बनी रखी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अल्लाह ताला के करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो आज का समझ और कुछ इस तरह से है हमारे साथ, आपके साथ बयान करते हैं। बड़ी सख्त मिट्टी है जी, थे जिवे इटे इवे मिट्टी है पक्की। आखो जी इतने पानी उत्तों नहीं टप्पी जान डा, जिन्ना मर्जी बंद कर लो। मुसीबत ये जी है, कणक चो लेने मिट्टी पोनी है। आपको पता है कि मस्जिदों में तो नमाज वगैरह की पाबंदी लगा रखी है, तो मैं यहाँ पे आया हूँ अपने खेतों में, तो सोचा यहाँ पे नमाज पढ़ लूँ। तो साथ मोटर चली हुई है, यहाँ पे हम वजू कर लेते हैं। नमाज पढ़ लें पहले, बाद में फिर आपको बताते हैं कि कहाँ पे हम हैं इस टाइम। तो आ जाओ, आज हम आए हैं अपने खेतों में। तो यहाँ पे हमने साथ मोटर चला रखी है, और मोटर चलाने के बाद हमने ये खेतों में पानी लगा रखा है चारे में।
जाके नाला मारती। जब मैं खेतों में पहुंचा तो यहाँ पे मैंने देखा कि एक पतंग कटकर खेतों में आई, तो ये मैंने फिर चारे में फिर पकड़ ली। तो जैसा कि ये आपके सामने है, ये है जी हमारी पतंग। पानी यहाँ तक आ चुका है, तो वो मोटर चली हुई है, चल रही है, और साथ ही पानी यहाँ तक आ चुका है। मैं साथ पानी देख रहा हूँ कि पानी कहाँ कहाँ तक पहुँच चुका है, तो ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ तक पानी पहुँचा है। ये जी अभी यहाँ तक भी पानी आया हुआ है, और साथ साथ ये पानी अब तक यहाँ तक भी आया हुआ है। आगे देखते हैं कि कहाँ तक वो पानी पहुँचा। तो बस थोड़ी सी देर, तकरीबन दस मिनट सिर्फ और मोटर चलानी पड़ेगी, तो फिर ये भर जाएगा और हम मोटर बंद कर कर चले जाएंगे। अभी क्योंकि काफ़ी देर हो गई है इसको मोटर चलाए हुए, तो अब ये मोटर बंद करके फिर हमें चले जाना, क्योंकि मतलब तक मगरब की अज़ान हो जाएगी, नमाज पढ़ने फिर चले जाना। बताएं कि कैसे लग रहा है यहाँ का सीन हमें, कुछ बैकग्राउंड पे क्योंकि सूरज है और आगे हम पतंग उड़ा रहे हैं साथ अपने खेतों में। ये छूट गई मेरे से। मेरी तस्वीर कैसी नज़र आ रही है आपको, ये बताएं कि कैसी नज़र आ रही है। फिर छूट गई दोबारा। ये हमारा नदी नाला है साथ, जो हमारे नज़र आ रहा है ये बिल्कुल खेत के साथ ही है। जब एक्स्ट्रा पानी होता है तो हम इसमें निकाल देते हैं, बारिशों में जब ज़्यादा पानी होता है तो जब ये फालतू पानी हम इसमें निकालते रहते हैं, और जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तो जनरेटर लगा कर हम साथ इसमें पानी लगा लेते हैं। बताते चले कि दोस्तों हमारे यहाँ खेतों में हमने लहसुन खुद अपने घर पर लगा रखा, और ये देखें घर के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, और जब ये सूख जाएगा तो इसको उखाड़ कर साथ घर ले जाएंगे, क्योंकि जब ये सूख जाएगा ये ताज़ा देसी लहसुन है हमारा। ये देखें, ये हमारा सारा लहसुन है। यहाँ पे हमने मेथी वगैरह भी और भी चीज़ें लगा रखी थी, लेकिन वो अब ख़त्म हो गई हैं, सिर्फ लहसुन रह गया। इन दिनों में सूख जाता है और कुछ दिन बाद और सूख जाएगा ये बिल्कुल, और इसको हम उखाड़ कर घर के लिए ले जाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि अब फिलहाल हम इस टाइम अपने खेत में मौजूद हैं, तो चारे इसको शटाला भी बोलते हैं, चारा भी बोलते हैं, सबज चारा। तो यहाँ पे सरसों वगैरह भी बीज रखी, जिसका हम तेल ख़ास तौर पे इस्तेमाल करते हैं, वो सूख गई थी, पक गई है, तो फिर अब वो उखाड़ कर घर ले गए। तो जब वो पक कर उसको सुखाएँगे तो उसको फिर तेल वगैरह निकलवाने के लिए खल वगैरह को इस्तेमाल करेंगे जानवरों के लिए, और तेल वगैरह को हम सर में लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये देखें काफ़ी पानी हो गया इसमें, तो अब भर गया तकरीबन, थोड़ा ही रह गया, तो अब इसको मोटर को हमने बंद करना है। तो साथ साथ आपको ये दोस्तों बताते चलें कि हम इस टाइम मौजूद हैं अपने गाँव के पास खेतों में, यहाँ पर हमने मोटर चला रखी है, तो अब ये बंद करने लगे हैं थोड़ी देर में बस। दोस्तों ये है हमारा गांव,
छोटा सा गांव मेन जीटी रोड पर वाक्या है। ये हमारे गांव के कुछ खास जो आपको दिखा रहे हैं कि शाम सूरज डाल रहा है, सुबह शाम हो रही है। ये हमारे गांव का कुछ सीन और साथ ही मेन जीटी रोड है, इस पर ये मशीनें वगैरह भी जा रही हैं। ये देखो मशीनें वगैरह जा रही हैं हमारे गाँव में सुबह पर, ये मेन रोड पर से तो ये मेन जीटी रोड से ये हमारे गाँव में सुबह कर जाएंगे। ये हमारे ये हमारी मोटर बिल्कुल खास सड़क पर मौजूद है।